हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के लिए अप्लाई किया है तो आप लोगों के लिए मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो डिले हो चुका है। जी हाँ, एग्ज़ाम जो है जो पहले 19 दिसंबर को होने वाला था वो एग्ज़ाम अब 20 फरवरी 2022 को होगा। तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा समय है कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। बहुत ही सफिशिएंट टाइम आप लोग को यहाँ पे मिल गया है। और बात रहती है कि सिलेबस क्या आएगा, किस तरीके का पेपर पैटर्न होगा, उसकी वीडियोस मैंने चैनल पे डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और साथ में हम लोग क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। और मैट की तैयारी तो हमारी चल ही रही है, बीच में भी एग्ज़ाम आ गया था जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन हम लोग दोबारा से अपनी मैट की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। और अगर टाइम रहा तो हम लोग सेट की तैयारी भी ज़रूर करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है इसके रिगार्डिंग आप लोगों से मिस ना हो पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो MVPP के एडमिट कार्ड है, बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे और पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जो है वो लगभग आ जाता है। तो अभी एडमिट कार्ड आने का तो कोई चांस नहीं बनता। और जहां तक बात रही कि कोरोना की थर्ड वेव की आसार तो लग रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। और मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम जैसा हमेशा होता है ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है तो ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। किसी टेक्निकल इशू के कारण इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया, एग्ज़ाम ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। और आगे की अभी तो कुछ नहीं पता है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, लेकिन हमेशा से ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन ही होने के चांसेस हैं एग्ज़ाम के। और एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आ जाएगा, लगभग 8-10 दिन पहले आ जाता है। इसके लिए आप लोग अपने टीचर के कॉन्टेक्ट में लगातार बने रहिएगा कि सर एडमिट कार्ड जो है वो कब तक आएगा। बाकी ये लोग आपको जीमेल के थ्रू भी जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे, जीमेल पे मैसेज भेज देंगे, या फिर कि आपको SMS के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप लोग अपना जीमेल ID और SMS भी लगातार चेक करते रहना जब एग्ज़ाम डेट आने वाली होगी उसके आसपास, यानी कि फरवरी से आप लोग इसको चेक करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको मैं अपडेट यहाँ पे चैनल पे कर दूंगा। और कुछ बच्चों का पूछना यहाँ पे ये भी था कि सर क्या रजिस्ट्रेशन की डेट को और एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए हैं क्या अब फिर से अप्लाई कर सकते हैं, कि क्या डेट बढ़ने के चांसेस हैं रजिस्ट्रेशन वाली। तो अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहिए और अपडेटेड रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और शेयर तो जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।